आर एस टी हमारे तीन फेज हैं, न्यू एंड फोर्थ वो है वो हमारी न्यूट्रल है, रेड येलो ब्लू, 1 2 3 जो है हमारे इंडोर टू आउटडोर वायर्स के कनेक्शन है। ये आपको नज़र आ रही है हमारे आउटडोर की पीसीबी है, इस पर तीनों फेज कनेक्ट होंगे, एक न्यूट्रल कनेक्ट होगी। ये हमारा मैग्नेटिक कंटेक्टर है L1 L2 एंड L3, ये T1 T2 T3 हमारे मैग्नेटिक कंटेक्टर की आउटपुट है जो हमारे कंप्रेसर को, थ्री फेज कंप्रेसर को कनेक्ट हो गए। ये हमारी न्यूट्रल पॉइंट है, ये आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, ये हमारे आउटडोर की पीसीबी को ऑन करने के लिए यूज़ होता है। ये कैपेसिटर है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की इनपुट है, और ये आउटडोर फैन मोटर के कनेक्टर है। ये आपको दो कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे एलपी स्विच और एचपी स्विच के हैं। ये एलपी स्विच नज़र आ रहा है आपको, ये लो प्रेशर कट आउट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपको एचपी स्विच नज़र आ रहा है, ये हाई प्रेशर कट आउट के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे तीनों फेज जो है वो तीनों फेज पीसीबी आउटडोर की पीसीबी पर कनेक्ट होंगे, और एक न्यूट्रल कनेक्ट होगी, और तीसरा हमारा कम्युनिकेशन का जो वायर है वो हमारा कनेक्ट होकर इसके मैग्नेटिक कंडक्टर के A2 पर आएगा, और A1 पर हम न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। ये तीनों फेज जा रहे हैं, ये रेड जा रहा है हमारी आउटडोर की पीसीबी पर, आपको नज़र आ रहा है, ये येलो जा रहा है आउटडोर की पीसीबी पर, और ये येलो जो है ये हमारे इनडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं उनमें भी जा रहा है, उनके कनेक्शन पर जा रहा है। ये ब्लू जा रहा है आउटडोर की पीसीबी पर। तीनों फेज जो हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर पर भी लग गए हैं और पीसीबी पर लगे। ये हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट है जो 12 वोल्ट AC होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।